छुट्टियों में तो हमें कहीं जाना ही चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन तुम उन्हें पानी क्यों दे रही हो? क्या मुसमाली एडम को यूं ही पकार देते हैं? फूलों को पानी देना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने आप को यूं ही थका रही हो। मैं ठीक हूँ फिक्री, तुम फिक्र मत करो। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारा वो मशहूर पागलपन कहाँ गया? हाँ मैलिक आंटी, आप सच में एक सुपर सोनिक इंसान है। पिछले साल मेरे मम्मी पापा एक बहुत अच्छी जगह गए थे, अगर आप कहें तो मैं उस जगह का पता लगाऊं। नहीं, उनसे मत पूछना, हम ऐसा नहीं चाहते, हम अपने घर में खुश हैं। क्या तुम्हें होमवर्क नहीं करना? जाओ ना अपना होमवर्क करो। पता नहीं क्या क्या बकवास करते हो, अपने आइडियाज हमें मत सुनाओ, समझे ना? रुको, पूछ लो उनसे, जाओ हम देख लेंगे कि वो हमारे लिए सही है या नहीं, अगर होगी तो हम हमारी टिकट बुक कर लेंगे। हाँ फिक्री, तुम ऐसे मजा खिरखिरा मत करो प्लीज, कितना अच्छा रहेगा सोचो ना। हाँ फिक्री अंकल, मुझे लग रहा है कि आप बूढ़े हो रहे हो, आप भी मेरे दादाजी की तरह घर से बाहर नहीं निकलते। क्या बकवास कर रही हो, बूढ़े हो रहे से क्या मतलब है तुम्हारा? इस तरह की बातें मुझसे मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इस वीकेंड पर हम छुट्टी पर जा रहे हैं, जाओ जाकर चेक करो कहाँ चलना है, हमें बताओ आके, जाओ निकलो यहाँ। ये बहुत अच्छी हो, चलो यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हाँ, ये दूध क्या होता है, क्या बकवास है? मेरी बेटी को ऐसे मत पुकारो जैसे तुम अपनी पपी को पुकारती हो, समझ गई ना? दूध बुला रही है, तुम्हें पता है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वैसे भी तुम्हें अब कौन अच्छा लगता है? तुम। तुमने कमाल कर दिया, तुमने तो सब कुछ दो मिनट में संभाल लिया। बिल्कुल दिया, तो इस वीकेंड हम एक जबरदस्त पार्टी करेंगे, ठीक है? सब कुछ ठीक है, पर फीको का क्या करेंगे हम? हाँ उसे टिकट देकर बास्केटबॉल का गेम देखने भेज देंगे। ओ हाँ, वो बास्केटबॉल देखने जरूर जाएगा। तुम्हारे बैट बॉय को कॉल करके इनवाइट करते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं उससे बात नहीं कर सकती, मैं कांपने लगूंगी। चलो अब कॉल करो उसे, मैं हेल्प करती हूँ। हेलो, क्या बोलूं मैं, कहो, अभी तक कुछ पूछा ही नहीं। मैंने अभी तक कुछ पूछा नहीं। ठीक है पूछो फिर, मैं सुन रहा हूँ। ऐसा है, मैं इस वीकेंड पर अपने घर पर पार्टी रख रही हूँ, तो तुमसे पूछने जा रही थी, तुम आओगे क्या? ऐसा क्या, मेरा जवाब हाँ है, मुझे एड्रेस भेज दो मैं आ जाऊंगा। हेलो, हाँ हाँ सुन रही हो, ठीक है फिर वीकेंड पर मिलते हैं हम, आ जाना। ठीक है टेफो, इस वीकेंड हम एक अमीर घर पर जाने वाले हैं, तो एक कार का इंतजाम करना होगा। ओके, पर अमरे ये सब हुआ कैसे? मुझे मिल गया यार, मैं जो कह रहा हूँ वो कर। ठीक है, पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं ब्रो, बस कुछ लड़कियां हैं, हम संभाल लेंगे। तुम्हारे हाथ पे जो चोट लगी उसका क्या, तुम्हें दर्द नहीं होगा? मैं उसे भी संभालूंगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। अरे डैड, अब फ्लाइट मिस कर देंगे, कहाँ है आप? अरे जरा रुको तो, चिल्लाओ मत। अरे क्या है यार, ये क्या सामान अंदर भर रखा है, कितना भारी है ये। मुझे पता नहीं वहाँ गर्मी होगी या सर्दी, इसलिए मैंने सब कुछ रख लिया है, और वैसे भी हम प्लेन से जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी जैसी तीन लेडीज और होंगी तो हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा। अच्छा पापा, उसैन अंकल इंतजार कर रहे हैं। क्या हो रहा है, जरा देखो इनके चेहरे को, हमारे जाने से ये दोनों कितने खुश हैं। करने क्या वाले हो तुम लोग हैं? हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आपका प्लेन मिस ना हो। और क्या हो सकता है, क्या ये यहाँ रहेंगे? बिल्कुल नहीं, हुसैन इन्हें फिलीज के पास ले जाएगा। अरे नहीं, दीदी आ रही है, वैसे भी हाँ। वो यहाँ जल्दी आ जाएंगी, इन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे भी इतने सामान के साथ हम शायद ही कार में फिट हो पाएंगे। चलो अब उसकी दीदी जल्दी यहाँ आ जाएगी, मैं भी वो गड़बड़ नहीं देखना चाहता। चलो चलो। लेकिन अच्छा ठीक है, मिलते हैं, बाय, अपना ख्याल रखना। बैठो जल्दी बैठो। अरे कितना मजा आएगा फिको, इतना बड़ा घर हमारा है पूरा वीकेंड लिए, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कह रही हो किराज, हम बास्केटबॉल गेम के बाद कायरा के घर जाएंगे, तुम यहाँ अकेली रह सकती हो, है ना? तुम पागल हो क्या? बिल्कुल रह सकती हूँ, हम गर्ल्स मूवी नाइट बनाएंगे। इप्पे के आने से पहले कुछ म्यूजिक प्ले करते हैं। मुंह खोलो। सेसिक, मैं शॉप पर जा रही हूँ, तुम चलोगी? हाँ, पर इसका क्या होगा, इसे कौन देखेगा? वो हमारे साथ चलेगा, अब बच्चे नहीं आएंगे तो हम काम कर सकते हैं।
ठीक है, चलते हैं। चलो छोटे शैतान, हम वर्कशॉप जा रहे हैं। मैं नहीं हूँ छोटा शैतान, फिकरत मुझे कॉल कर रहा है। हेलो फीको, फीको, हेलो, कहाँ हो फीको, कितना शोर है फीको, देखो देखो कितनी आवाज आ रही है। हेलो, क्या कहा, कहा हो तुम? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्या तुम्हें होमवर्क नहीं करना? होमवर्क? हाँ वो तो मैं भूल ही गया दीदी। ठीक है मैं अभी घर जाता हूँ और होमवर्क कर लेता हूँ। ठीक है, तुम वहाँ किसके साथ गए हो फीको? हाँ किसके साथ, क्या डैड है वहाँ? कोई नहीं दीदी, मुझे यहाँ कौन लेकर आएगा, मैं अकेला आया हूँ। तुम अकेले हो? हाँ फीको मुझे वहाँ का एड्रेस दो अभी। अरे क्या हो रहा है वहाँ? ये कितना कूल है किराज, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे क्या करना चाहिए, जाकर उससे बात करूं क्या? मेरे पास एक आइडिया है, बस मुझे देखो। तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ वरना मैं यहाँ नहीं होता। लेकिन तुमने अपनी जैकेट नहीं निकाली ना? नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा हमारा घर बहुत अच्छा है, कितने कमरे हैं इसमें? 5। क्या हम डांस करें? पता नहीं, देखते हैं। वैसे मुझे वॉशरूम जाना है, टॉयलेट ऊपर है क्या? एक वहाँ पर भी है। लेकिन मैं ऊपर वाला इस्तेमाल करूंगा, मुझे भीड़ में यहाँ थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। ठीक है मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है सी यू। दीदी आप यहाँ पर क्यों आ गई? मैं अकेला जा सकता हूँ, आप चले जाइए। उसने कहा था वो घर पर होमवर्क करेगी, तुम्हें यहाँ गेम पर भेजकर वो वहाँ घर पर अकेले क्या कर रही है बताओ मुझे? वो सब लोग घर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं दीदी, सच में कुछ नहीं। अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो तुम गेम देखने अकेले क्यों गए थे फीको? मुझे डैड को बताना होगा, चलो मैं बताती हूँ। दीदी मेरी बात तो सुनिए दीदी, आई एम सॉरी, मैं वादा करता हूँ मैं सफर कभी नहीं करूंगा दीदी। अब चलिए हम अपने घर चलते हैं, मैं रात को यहाँ वापस आ जाऊंगा। चलिए ना दीदी प्लीज मेरी बात मानिए, चलिए। तुम क्या छिपा रहे हो फीको? कुछ नहीं, कुछ नहीं दीदी, कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने कहा तुम क्या छिपा रहे हो? किराज और अपेक घर पर अकेली हैं, पापा और मलिक दीदी छुट्टियां मनाने गए हैं, वो घर पर नहीं है। क्या दीदी, आई एम सो सॉरी। We'll be right back.
आगे क्या करना होगा? हम जिनका नाम चुनेंगे हम उनके साथ कैबिनेट में बंद हो जाएंगे। क्या हमको एमरे का इंतजार करना चाहिए? और कौन आने वाला था? मुझे नहीं मालूम, क्या तुमने किसी और को इनवाइट किया था? दीदी क्या हो रहा है किराज? हाँ क्या हो रहा है? दीदी आप शांत हो जाएंगी? दीदी प्लीज। दीदी रुको तो। चुप हो जाओ। रुकिए रुकिए दीदी, ऐसा मत करो दीदी। तुमने कहा था तुम होमवर्क कर रही हो, ये पढ़ाई हो रही है यहाँ? क्या तुम सबने अपनी फैमिलीज को ये कहा कि आप यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं? मैं अभी सबकी फैमिलीज को कॉल करती हूँ। दीदी प्लीज ऐसा मत करो। क्या नहीं करूँ किराज, क्या नहीं करूँ? मुझे अपनी मम्मी का नंबर दो, मैं खुद चली जाऊंगी। ओ अच्छा, मैं अभी तुम्हारी मम्मी को कॉल करती हूँ, वो तुम्हें ले जाएंगी। ठीक है यही रुको। प्लीज दीदी आप ऐसा मत करिए, आप मुझे नीचा दिखा रही हैं। दीदी प्लीज दीदी, दीदी ऐसा मत करिए प्लीज दीदी। चुप रहो। हेलो हाय, मैं फिलेस हूँ किराज की दीदी। हमें जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। चलो इपेक। इपेक तो कल मिलते हैं ठीक है? कुछ टाइम के लिए तो मुझसे बात ही मत करना। चलो। अरे पर इपेक, थैंक्स अ लॉट दीदी। मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरी लाइफ, सब कुछ आपने बिगाड़ कर रख दिया। नफरत करती हूँ आपसे, कभी मत बात करना मुझसे। किराज निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ मेरे घर से, और दोबारा कभी मत आना यहाँ। दीदी उसका वो मतलब नहीं था। अरे दीदी सिसक ने मुझे बताया कि आप यहाँ हो, क्या बात क्या है? दीदी कि दीदी उसका वो मतलब नहीं था भाई, अब समझाइए ना। अरे मैं क्या कर सकता हूँ, हुआ क्या है? दीदी क्या हुआ, डैड कहाँ पर है? वो छुट्टियाँ मनाने गए हैं। तो उन्होंने इन्हें यहाँ क्यों छोड़ दिया? ताकि वो यहाँ पर सीक्रेट पार्टी कर सके। क्या? हाँ। तो आप यहाँ पर क्यों हैं अभी? रहमत मैं उनके साथ क्या करूँ, अब वो टीनेजर्स हैं, हम मार पीट कर उन्हें बात नहीं मनवा सकते, और यहाँ इनके घर में नहीं रुक सकते हैं, हम क्या करें? ठीक है दीदी मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, वैसे डैड वापस कब आने वाले हैं? मुझे नहीं पता, जाओ और उन्हें देखो, कहीं वो कोई बेवकूफी ना करते, मैं खुद को शांत करती हूँ। ठीक है यहाँ पर रुको, मैं संभालता हूँ।